हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पटेल और आप देख रहे हैं होम्यो मैजिक चैनल। होम्यो मैजिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक और नया दिन, एक और नया टॉपिक। आज का टॉपिक है बैक पेन, कमर दर्द, या जिसे हम पीठ का दर्द भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हर चीज़ समझते हैं, जैसे कि सिम्टम्स, रीजंस और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो को बिना स्किप किए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बैक पेन के क्या सिम्टम्स होते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका बैक पेन होता है, यह आपका हल्का दर्द बने रहता है और जो लंबे समय से बना रहता है, और यह दर्द कभी कभी अचानक एकदम से भी शुरू हो जाता है, जो कि बहुत तेज होता है, जिसे हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी यह दर्द अचानक ठीक होके अचानक से शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका दर्द नीचे साइड पैरों तक पहुंच जाता है। और यह दर्द आपका किसी एक्सीडेंट के कारण, या गिरने से, या ज़्यादा काम करने से, या कोई भारी सामान उठाने के कारण भी हो सकता है, और जो कि एक एज के अनुसार भी आपका यह दर्द ज़्यादा बढ़ सकता है। या जो आपके रीढ़ की हड्डी का दर्द है, वह आपकी उम्र बढ़ने के अनुसार धीरे धीरे उसमें चेंजेस के कारण भी बढ़ सकता है। कुछ केसेस में आपके पीठ में जो दर्द होता है, उसमें सूजन के कारण गाठिया का विकार भी हो सकता है, या फिर आप कोई अलग पैथी यूज़ करते हैं या कुछ अलग मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसके कारण भी आपको मतलब पीठ में दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बैक पेन का एक मेन रीज़न ये भी होता है, कभी कभी अपन ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, या ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, या फिर अपन अचानक से कभी गिर जाते हैं, तो उसके कारण जो अपनी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क होती है, उनमें स्वेलिंग आ जाना, या उनका खिसक जाना, या उनका क्रैक हो जाने के कारण भी आपके बैक पेन हो सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। और यह दर्द बर्दाश्त से बाहर भी होता है, जिसमें आपको डॉक्टर्स बेल्ट लगाने की सलाह भी देते हैं। और यही कंडीशंस लेडीज़ के साथ में भी होती है। अगर कोई भी लेडीज़ जो काम करती है, अगर वो झुक झुक के ज़्यादा काम करती है, और जो घर का काम करती है, हाउसवाइफ होती है, उनके साथ भी यही कंडीशंस बनती है, जिसके कारण उनके कमर में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, सब जानते हैं इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस इफ़ेक्टिव मानी जाती है। मैं आपको तीन होम्योपैथिक मेडिसिंस बताने वाला हूँ, जो बैक पेन में मतलब कमर दर्द में आपको बहुत ज़्यादा राहत दिलाएगी। तो फ्रेंड्स, अपनी पहली मेडिसिन आती है रेस्टॉक्स 200। इस मेडिसिन को आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। ये मेडिसिन बहुत ही फास्ट रिजल्ट दिखाती है बैक पेन के लिए। पीठ दर्द या अत्यधिक तनाव या खिंचाव के कारण, मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होना, जो कि भारी सामान उठाने से या पेशेंट के लेटने से बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, या पेशेंट जब चलता फिरता हो या हिलता डुलता हो, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है दर्द से। उस कंडीशंस में आपको इस मेडिसिन की 10-10 बूंद 2 चम्मच कुनकुने पानी के साथ दिन में 4 बार लेना है। तो फ्रेंड्स, वो अपनी दूसरी मेडिसिन आती है ब्रायनिया एल्बम। यह मेडिसिन भी दर्द के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। यह मेडिसिन आपको उस कंडीशंस में लेना चाहिए जब आपका जो दर्द होता है वो गति के साथ बढ़ता है, मतलब स्पीड के साथ दर्द भी बढ़ता रहता है। और यह मेडिसिन आपके उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है जब आप चलते हैं तो आपके कमर का दर्द रहता है वो बहुत तेज हो जाता है, और आराम करने से आपको राहत मिलती है। आपको उस कंडीशन में इस मेडिसिन की 10-10 बूंद 2 चम्मच कुनकुने पानी के साथ दिन में 4 बार लेना है। तो फ्रेंड्स, और अपनी लास्ट मेडिसिन आती है एस्क्यूलस हिप्पोकैस्टेनम। यह मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है बैक पेन के लिए। अगर आपके जो पीठ में दर्द होता है वो बहुत तेज होता है, जो कि पीठ से होता हुआ सीधा नीचे कूल्हे तक जा पहुंचता है, जो कि बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसे सहन कर पाना बर्दाश्त के बाहर होता है, और चलने फिरने से या झुकने से यह दर्द और तेज बढ़ जाता है, और आवश्यकता होने पर पेशेंट जब बैठ जाता है तो उसको उठाने के लिए भी एक चुनौती जैसा सामना करना पड़ता है। उस कंडीशंस में आपको इस मेडिसिन की 10-10 बूंद 2 चम्मच कुनकुने पानी के साथ दिन में 4 बार लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थी को अपनी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बैक पेन से रिलेटेड, जो कि बैक पेन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। और जैसे अगर किसी को बैक पेन होता है तो आप इस मेडिसिन को 15 से 20 दिन तक यूज़ करें, उसके बाद में हमें कमेंट करके बताइए कि क्या रिजल्ट मिले हैं। अगर इसमें आपको आराम नहीं मिल पाता है तो फिर मैं आपको एक मेडिसिन और रिकमेंड करूँगा, वो आपकी कंडीशन के ऊपर रहेगी। और ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के लिए जिनको बैक पेन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
और ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे इजीली मिल जाएगी, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में ही मेडिसिन लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय श्री राम।